नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री, आपने कई बार सौतेली माँ या फिर भाई बहन को गलत नजरिए से ही देखा होगा, एक नेगेटिव इमेज बना ली होगी। सिंड्रेला की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था, उसकी स्टेप मॉम उसे काफी परेशान करती थी। लेकिन बी टाउन की अगर बात की जाए तो ऐसे कई सितारे हैं जो अपने सौतेले भाई बहनों से खूब प्यार करते हैं, जिससे ये साफ दिखाई देता है कि रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते, दिल से भी बनाए जाते हैं। पटौदी फैमिली। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक्ट्रेस अमृता सिंह को अपना दिल दे दिया था। दोनों की शादी हुई और दो बच्चे हुए, जिनका नाम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया और तलाक के कई सालों बाद सैफ ने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार करीना कपूर से शादी कर ली थी। दोनों का बेटा हुआ तैमूर अली खान। लिटिल तैमूर अली खान की बॉन्डिंग इब्राहिम और सारा के साथ काफी अच्छी है। सारा उन्हें काफी लाड करती हैं, जिसका सबूत हम कई बार सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। सारा का करीना के घर पर आना जाना लगा ही रहता है। भट्ट सिस्टर्स। महेश भट्ट की लव लाइफ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही। पहली शादी उन्होंने कॉलेज फ्रेंड लॉरियन ब्राइट से की थी, जिन्होंने अब बाद में अपना नाम बदलकर किरण भट्ट रख लिया था। दोनों के दो बच्चे हुए, एक पूजा भट्ट और दूसरे राहुल भट्ट। दोनों के रिश्तों में खटास आने के बाद महेश भट्ट ने सोनी राजदान से 1986 में शादी कर ली थी, जिनके भी दो बच्चे हुए, एक बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट। आलिया और शाहीन अपने सौतेले भाई बहन पूजा और राहुल के साथ एक शानदार बंधन शेयर करते हैं। पूजा आलिया और शाहीन को अपनी छोटी बहनों की तरह मानती। आलिया और पूजा की उम्र में 21 साल का फर्क है। देओल फैमिली। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की शादी काफी चर्चाओं में रही थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे। धर्मेंद्र ने प्रकाश गौर से शादी की थी। दोनों के चार बच्चे हुए, बॉबी देओल, सनी देओल, विजेता देओल, अजेता देओल। लेकिन कुछ फिल्मों में हेमा के साथ काम करने के बाद धर्मेंद्र को हेमा से प्यार हो गया था और 1979 में दोनों ने शादी कर ली थी। हेमा धर्मेंद्र के दो बच्चे हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। लेकिन सौतेले होने के बाद भी पूरी देओल फैमिली एक दूसरे से काफी प्यार करती है। दत्त फैमिली। संजय दत्त ने अपनी पहली शादी ऋचा शर्मा से की थी। संजय की पहली शादी से त्रिशाला नाम की एक बेटी हुई, लेकिन ट्यूमर के कारण ऋचा का निधन हो गया था, जिसके बाद 2008 में संजय ने मान्यता से शादी की। दोनों के दो जुड़वा बच्चे 2010 में पैदा हुए, शाहरान और इकरा। त्रिशाला न केवल मान्यता के करीब है, बल्कि अपने सौतेले भाई बहनों को बहुत प्यार करती है। अर्जुन कपूर और उनकी बहनें। बोनी कपूर ने मोना शौरी कपूर से शादी की थी, जिससे उन्हें दो बच्चे हुए थे, एक अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। वही शादी के कुछ समय बाद बोनी का दिल श्रीदेवी पर आ गया था और उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। श्रीदेवी और बोनी की दो बेटियां हुई, एक जानवी कपूर और दूसरी खुशी कपूर। अर्जुन और अंशुला ने कभी अपने सौतेली माँ श्रीदेवी और दोनों सौतेली बहनों जानवी और खुशी को नहीं अपनाया था, लेकिन श्रीदेवी के अचानक निधन से बोनी और उनकी बेटियां जानवी और खुशी कपूर बिखर गई। इस समय बोनी की पहली पत्नी मोना के बच्चे अर्जुन और अंशुला ने खुशी और जानवी के लिए बड़े भाई और बहन के कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। उसके बाद से इन भाई बहनों के बीच प्यार दिखाई देता है। शाहिद कपूर और ईशान खट्टर। शाहिद और ईशान सौतेले भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार देखकर ऐसा नहीं लगता। दरअसल शाहिद के पापा पंकज कपूर ने दो शादियां की थी। पंकज ने एक्ट्रेस और डांसर रह चुकी नीलिमा आजम से 1975 में शादी की थी। उनका एक ही बच्चा था शाहिद कपूर, लेकिन पंकज और नीलिमा के रिश्ते में दरार आ गई थी और साल 1984 में दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद पंकज ने जहां एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक से 1988 में शादी कर ली, जिनके दो बच्चे हैं रूहान और सना। वही नीलिमा आजम ने राजेश खट्टर से, जिनके बेटे हैं ईशान खट्टर। सौतेले होने के बाद भी इन भाई बहनों में काफी अच्छा बॉन्ड है। शाहिद ईशान को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे। दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। खान फैमिली। आमिर और उनकी पहली वाइफ रीना दत्ता 16 साल तक एक दूसरे के साथ थे, लेकिन 2002 में दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था। दोनों के बच्चे जुनैद और ईरा रीना के साथ ही रहते हैं। वहीं 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ आजाद। लेकिन ये सौतेले भाई बहन एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं।
इरा आजाद के साथ न सिर्फ खेलती हैं, बल्कि कई बार उन्हें अकेले संभालती भी नजर आती। पूजा बेदी और एडम बेदी। कबीर बेदी ने साल 1969 में प्रतिमा बेदी से शादी की थी। कबीर और प्रतिमा के दो बच्चे हुए, पूजा और सिद्धार्थ। लेकिन कुछ समय बाद कबीर ने सुजैन हम्फ्रीज नाम की एक फैशन डिजाइनर से शादी की और उस शादी से एडम नाम का एक बेटा हुआ। पूजा और एडम भले ही सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा सौतेले भाई हैं। रामानंद सागर और विधु विनोद चोपड़ा की उम्र में 35 साल का अंतर है। पहली पत्नी के निधन के बाद रामानंद के पिता लाला दीनानाथ चोपड़ा ने विधु विनोद चोपड़ा की मां से शादी कर ली थी। तो आज हमने आपको बॉलीवुड के उन सौतेले भाई बहनों के बारे में बताया जो आपस में अच्छे रिश्ते शेयर करते हैं। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही स्पेशल रिपोर्ट्स को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।